आजम खान एंड फैमिली, जिसे अभी हाल ही में बेटे के फर्जी सर्टिफिकेट मामले में राहत मिली है। आजम खान और उनके बेटे दूसरे केस के चलते जेल से बाहर नहीं आ पाए, पर आजम की पत्नी तजीन फातिमा रिहा हो गई हैं। जेल से बाहर आने के बाद तजीन ने बड़ा दावा कर दिया है। जन्म प्रमाण पत्र मामले में राहत के बाद अभी आजम खान को डूंगरपुर मामले में 10 साल की सजा हुई है और उन पर 14 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जिस पर आजम की पत्नी तजीन ने साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है और आखिरी सांस तक न्याय की लड़ाई लड़ने की बात कही। देखिए, लड़ाई तो हम आखिरी सांस तक भी लड़ते ही रहेंगे जब तक हम पूरा तौर पर हमें इंसाफ मिल नहीं जाता। और कल जो उन्हें सजा हुई है, ये नाइंसाफी की एक चरम सीमा है। किसी डूंगरपुर वाले प्रकरण में किसी FIR में आजम साहब का नाम नहीं है, केवल चंद झूठे गवाह, जिन्हें मैं झूठा ही गवाह कहूँगी, उनकी गवाही का संज्ञान लेकर उन्हें जानबूझकर सजा कर दी गई है। सुना आपने, तजीन फातिमा का कहना है कि डूंगरपुर मामले में आजम का FIR तक में नाम नहीं है, लेकिन झूठे गवाही कराकर उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। तजीन ने सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। वहीं जिस फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में तजीन जेल में थी, उस पर उन्होंने जवाब दिया और बताया कि बेटे का सर्टिफिकेट फर्जी नहीं है। यहाँ मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इसमें कोई भी चीज़ फर्जी नहीं है। एक गलती में सुधार करवाने की कोशिश की गई, बल्कि सुधार करवाया भी गया है। जो जन्म प्रमाण पत्र यहाँ बना था उसे निरस्त करवाया गया, उसके बाद ही जो असली लखनऊ से इशू किया हुआ जो जन्म प्रमाण पत्र था वो लगाया गया। तो कोई भी चीज़ इसमें फर्जी नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं और वक्त आने पर मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। तजीन फातिमा ने इस दौरान बिना नाम लिए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और परिवार पर लगाए गए मुकदमों को फर्जी बताया। कहा कि रातों रात अधिकारियों को बुलाकर अलग अलग केस दर्ज करवाए गए और अनपढ़ लोगों से मामलों में हस्ताक्षर करवाए गए। देखिए, मुकदमे तो सारे झूठे फर्जी लिखे गए हैं। एक अधिकारी के यहाँ बुलाकर रात को आधे आधे घंटे पर FIR लिखी गई है और जो बेचारे अनपढ़ लोग थे गांवों के, उनसे सादे पेपर पर हस्ताक्षर कराए गए हैं और फिर वहीं लिखवाया गया है। उनसे नहीं बल्कि उसी अधिकारी के ऑफिस में जो लोग थे उन्होंने लिखी है FIR, आधे आधे घंटे पर FIR। अभी कई केस चल रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या अगर इसकी लड़ाई जो है वो काफी लंबी होने वाली है? देखिए, जितनी भी लंबी हो या छोटी हो, लड़ाई है तो लड़ना ही है। इस तरह से जेल से बाहर आने के बाद आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा ने मोर्चा खोल दिया है और परिवार पर लगाए मुकदमों को झूठा बताकर सफाई दे रही है।